नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े YouTube न्यूज चैनल लाइव सिटीज को। अनंत सिंह मुंगेर लोकसभा सीट को हॉट बनाए हुए हैं, लोकसभा की तैयारियों में जुट चुके हैं। और एक तरफ कांग्रेस है जो अभी तक कोई फैसला नहीं दे रही है। कांग्रेस का साफ साफ ये कहना है कि लोकसभा में कौन से टिकट पर कौन सा उम्मीदवार उतरेगा, ये फैसला आलाकमान का है। आने वाले समय में आलाकमान इस पर डिसीजन लेंगे और उस फैसले से आपको रूबरू करा दिया जाएगा। लेकिन अनंत सिंह अभी से ही इतने कन्फर्म लग रहे हैं, जैसा लगता है कि उनकी बात जो है वो आलाकमान से हो चुकी है। पूरी खबर विस्तार से बता दें आपको। जिस तरीके से अनंत सिंह लगातार रोड शो कर रहे हैं, पिछले महीने ही मुंगेर लोकसभा सीट में किस तरीके से रोड शो किया था, पटना से उनके रोड शो निकला था और मुंगेर तक गया था, मोकामा बाढ़ सभी जगह वो घूमे थे, जनता से आशीर्वाद लिया था और बहुत खुश लग रहे थे। कल की खबर बता दें आपको, लखीसराय गए हुए थे अनंत सिंह। लखीसराय के चानन प्रखंड में एक कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, उसमें ही भाग लेने के लिए पहुंचे थे। कुश्ती प्रतियोगिता में वो पहुंचे, उनका स्वागत किया गया है, जिस तरीके से तस्वीरें आप देख रहे होंगे। उसके बाद उन्होंने साफ साफ कहा है कि सामने ललन सिंह लड़े या कोई और लड़े, जमानत जब्त करा देंगे। और टिकट के बारे में जब लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि 100% नहीं, 200% कन्फर्म है कि टिकट कांग्रेस से मुझे ही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से टिकट मिलने की जो उम्मीद लगा बैठे हैं अनंत सिंह, आपको याद होगा जन आकांक्षा रैली के वक्त अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ एक जीप में बैठकर किस तरीके से जनता से अपील की गई थी अनंत सिंह द्वारा कि आप रैली में आएं और रैली को सफल बनाएं। अनंत सिंह द्वारा विशेष व्यवस्था भी की गई थी लोगों के ठहरने के लिए मिलर हाई स्कूल मैदान में। जब लोग वहां पर पहुंचे थे, उनके खाने पीने के लिए, उनके रहने के लिए रात को जागरण तक रख दिया गया था अनंत सिंह द्वारा। उन्होंने बहुत खर्चे किए हैं और उम्मीद लगा बैठे हैं कि कांग्रेस उन्हें टिकट देगी और कंफर्म भी कर रहे हैं, 100% नहीं, 200% उन्होंने कहा है। कल चानन प्रखंड वो गए हुए थे लखीसराय में कि 200% कंफर्म है कि हमें टिकट मिलेगा कांग्रेस की ओर से और कांग्रेस की ही जीत होगी। कांग्रेस की जीत की दावेदारी भी की है 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर। अब देखने वाली बात यह है कि कभी लखीसराय जा रहे हैं, कभी अथमल गोला जा रहे हैं, कभी मोकामा जा रहे हैं, कभी बाढ़ जा रहे हैं, कभी लदमा जा रहे हैं, बहुत जगह पर जा रहे हैं, दौरे लगातार कर रहे हैं, रोड शो लगातार कर रहे हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ रोड शो कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह हो, शक्ति सिंह गोहिल हो, डॉक्टर मदन मोहन झा हो, कोई भी बड़े नेता हो, वो अभी सिर्फ यही कर रहे हैं, लोकसभा की तैयारियां चल रही हैं, सीटों का ऐलान आलाकमान के द्वारा किया जाएगा, ऊपर से ऑर्डर आएगा, क्या उस ऑर्डर में अनंत सिंह का नाम लिखा रहेगा, ये तो बड़ी बात है ही। लेकिन एक तरफ जहां अनंत सिंह पूरे संतुष्ट दिख रहे हैं, सीटों को लेकर के उनमें कोई हड़बड़ाहट नहीं है, उनकी टिकट जो है वो कंफर्म लग रही है उनके नजरिए से। अब देखने वाली बात ये होगी कि इतनी तैयारियां करने के बाद जब अनंत सिंह जनता के बीच जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, अभी से ही निकल चुके हैं, क्या उनके इन उम्मीदों पर कांग्रेस खरा उतरेगी या फिर पानी फिर जाएगा। जिस तरीके से अनंत सिंह ये भी दावा कर रहे हैं कि ललन सिंह को वह धूल चढ़ा देंगे, उनकी जमानत जब्त करा देंगे, क्या ललन सिंह को वो हरा पाएंगे या कहीं उल्टा ही ना हो जाए, जनता का जो मत है वो ललन सिंह को मिल गया और ललन सिंह यदि जीत गए तो फिर क्या कहेंगे अनंत सिंह। लेकिन फिलहाल अभी जो टिकट की मारा मारी है उसमें सभी दल के लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं। आने वाले समय में क्या होगा इस पर डिसीजन, क्या कांग्रेस अनंत सिंह को टिकट देगी। लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा है कि 100% नहीं, 200% मेरा टिकट कंफर्म है। तो क्या उनकी इस उम्मीदों पर खरा उतरेगी कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस से कोई नेता बयान देंगे, क्या अनंत सिंह आगे और दौरे करने जा रहे हैं और रोड शो करने जा रहे हैं। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहे, इस कन्फर्मेशन के बाद क्या सिचुएशन होने जा रहा है उससे भी लाइव सिटीज जरूर आपको रूबरू रखेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां होने लगी हैं। एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ पूरी महागठबंधन, लड़ाई पूरी बड़ी है, टक्कर हो रही है, उस पूरी टक्कर से महाकवरेज आपको देता रहेगा लाइव सिटीज। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि लोकसभा जो लोकतंत्र का महापर्व है वो आने वाला है, उसकी हर छोटी बड़ी खबरों के साथ लाइव सिटीज आपको जरूर रूबरू रखेगा। धन्यवाद।